नया भारत बनेगा तभी इस देश का किसान सुखी रहेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सुनील जाकर सभापति महोदया, आपका मेडन स्पीच है, थोड़े में और अच्छा बोलो, आप मुझे बोलना नहीं पड़े कि अब हो जाए। अगर मैं कोई हटके बात करूं तो आप टोक दीजिएगा, आप बड़े हैं, आपका प्यार है। मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने इस अजीम इस पवित्र सदन के अंदर लोकतंत्र के सबसे अजीम जिस तरह बोलते हैं सेंक्टम सेंक्टोरम ऑफ द डेमोक्रेसी, यहाँ पे जहाँ मुझे बोलने का मौका दिया है और जहाँ मुझे लोगों ने चुन के भेजा है, जहाँ पे मुझे गर्व का एहसास हो रहा है सभापति महोदया, वहीं पे मुझे अपनी जिम्मेवारी का भी एहसास है कि लोगों ने जो जिम्मेवारियां दी हैं इस सदन के माध्यम से उनकी आवाज उठा के उनको पूरा करवाने के लिए प्रयास करूं। एक किसान का बेटा इस अजीम सदन में खड़ा होकर मेरा हक बनता है, और आज जबकि बार बार बात हो रही है ये बजट किसानों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाया गया है तो इस पर भी बात करूंगा। पर जो कहते हैं कि घर को सजाने का तो तसव्वुर है बहुत, पहले ये तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। अध्यक्ष महोदया, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस। जहां तक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का सवाल है मैडम, वहां पे आज सबके सामने है कि जिस तरह से सबका साथ सबका विकास के नारे लग रहे हैं, वास्तविकता ये है कि सबका साथ और एक फीसदी का विकास, जितना भी विकास हुआ पिछले 3 साल के अंदर वो सारा 1% लोगों को गया है, ये चिंता का विषय है। उससे भी बड़ा चिंता का विषय जो सामाजिक ताने बाने के ऊपर आज आघात हो रहा है, आज हमारा देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में है, मैं समझता हूं वो इस सदन की जिम्मेवारी बनती है। और उसमें सबसे नया होने के नाते मैं ये समझता हूं कि मैं याद ही दिला सकता हूं, मैं यहां कोई भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ। आज जब माननीय वित्त मंत्री महोदय अपना भाषण दे रहे थे, इन्होंने बात की ईज ऑफ लिविंग की, नॉट जस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बट ईज ऑफ लिविंग। मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री साहब को कि आप ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, आज उन दलित परिवारों से पूछिए जिनको राजकोट के उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 दलित बच्चों को जीप के पीछे डाल के घसीट के मारने का प्रयास किया गया। मैं पूछना चाहता हूं उस पहलू खान का उसका दर्द क्या था, उसके कसूर क्या था। उन बातों को लेके आज जब इस सदन के अंदर विश्वास नहीं होगा, ना तो यहां पे कोई नई इन्वेस्टमेंट आएगी और ना ही यहाँ पे कोई सौहार्द का माहौल बनेगा। चाहे आप कितना ही डिवोर्स चले जाइए, कितने भाषण दे लीजिए, कोई भी ऐसे असामाजिक माहौल के अंदर कोई भी यहाँ के निवेश करने को तैयार नहीं होगा। मैडम ये बातें इस सदन के ध्यान में ला के रखना चाहता हूँ। मैडम आज एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है, इतिहास दोबारा से लिखे जाने का प्रयास किया जा रहा है, पर इस पे मुझे चिंता नहीं है क्यों इतिहास जो लिखा है वो हमारे शहीदों ने देशभक्तों ने अपने खून से लिखा हुआ है, उनकी कुर्बानियों से लिखा हुआ है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। आप नाम लेने में नाम ओछे तरीके से लेके नेहरू साहब को नेहरू चाचा नेहरू जिसे मानते थे उसे नीचा नहीं कर सकते, परंतु ये इस सदन को शोभा नहीं देता कि यहाँ पे कोई मंत्री इस तरह से जिसको सारी दुनिया पूछती है उसके छोटे नाम से उनको बुलाए, ये भी एक चिंता का विषय है। उन्होंने ये हमारा कसूर मान लीजिए, आज के इस दृष्टिकोण के अंदर कांग्रेस का कसूर माना जा रहा है कि बलिदानियां दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि बलिदान के ऊपर कांग्रेस का कोई पेटेंट नहीं है और ये हमारा कसूर नहीं है। आप इसे हमारी ताकत समझिए कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए के अंदर बलिदान लिखा हुआ है, और वो जिन लोगों ने बलिदान दिया, चाहे वो सरदार भगत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे,
चाहे चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाकुल्ला खान थे, उन्होंने किसी एक जात बिरादरी के लिए नहीं, देश के लिए दिया, इतिहास के पन्नों में नाम लिखवाने के लिए नहीं दिया अध्यक्ष, मैं उन्होंने नाम दिया। मैं हमारे एक पंजाब के बहुत मशहूर कवि हैं, आई वुड से इज अ लिविंग लीजेंड, सुरजीत पात्र जी, एंड आई एम टेकिंग अ लिबर्टी विद फ्यू ऑफ हिज लाइंस। उन्होंने कहा कि ये क्या कम है कि इस पेड़ को, उस लोकतंत्र के पेड़ की बात कर रहे थे, कि इस पेड़ को मेरे खून ने सींचा, ये क्या कम है कि इस पेड़ को मेरे खून ने सींचा, कोई बात नहीं इसके पत्तों पे मेरा नाम नहीं है। पर वो आगे कहते हैं, गम तो ये है कि मेरे हत्यारे ने मेरा लहू गंगा में धोया और गंगा के पानियों में कोहराम नहीं है। गंगा के पानियों में कोहराम की बात नहीं है। जो इस सदन के नेता हैं, देश को जिन्हों देश ने 2014 में जिन्हें इतना बड़ा बहुमत दिया, मैं समझता हूं वो ये बात कह के अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते कि ये हमारे फला मंत्री ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि एक फला जाति फला धर्म के लोग हिंदुस्तान छोड़ जाएं। वो ये, मैं आज रवि प्रसाद जी बैठे नहीं, जब जिस दिन यहाँ पे तीन तलाक के ऊपर बात हो रही थी, उन्होंने दो नाम लिए, एक उम्मीद जगती है अध्यक्ष महोदया, सही बात को सही कहूंगा, उन्होंने कहा, उन्होंने नाम लिए करीमुल्ला खान चिरापूंजी से, कहते वो अपने करीमुल्ला खान साहब और इमरान खान साहब का नाम लिया। वो कहते चिरापूंजी में अपने मोटरसाइकिल के ऊपर उन्होंने एम्बुलेंस चला रखी है, उनको उन्होंने नाम लिया, प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया, उनका नाम इमरान खान का, जो यहाँ अलवर जिला से संबंध रखते हैं, उनको उन्होंने पद्मश्री देने की बात की, इस बात की हम सराहना करते हैं। परंतु अगर कहीं प्रधानमंत्री वही फोन उठा के जो उन्होंने इमरान खान को किया, वही फोन अगर पहलू खान के परिवार को कर देते, जिसका कसूर इतना था कि वो गऊ खरीद के लेके जा रहा था और जिसको यहाँ पे कत्ल किया गया, राजसमंद के, हमारे यहाँ पे राजस्थान से आदरणीय वित्त मंत्री मिनिस्टर स्टेट बैठे हैं, राजसमंद के अंदर जो कुछ हुआ और उस शंभू लाल ने जिसने तेल डाल के जलाया, आज ये चिंता का विषय है मैडम, और मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं अब बजट के ऊपर बात करते हुए, जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा थी किसान की, देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब माननीय हमारे, मैं समझता हूँ बहुत से काबिल मंत्री यहाँ बैठे हैं, पर उन्हीं काबिल मंत्रियों में सबसे काबिल मंत्री वित्त मंत्री साहब बैठे हैं, मैं उन्हें आभार व्यक्त करना चाहता था, दो दो धन्यवाद लेके आया हूँ मैडम। एक धन्यवाद तो इस बात का, ये उनका बड़प्पन था, दिस वॉज वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम, एक किसान को बेटे को जो पहली दफा चुन के सदन में आया है, उन्होंने पिछले सेशन के अंदर मुझे खाने पे न्योता दिया, मैं इस बात का आभारी हूं। और दूसरा जो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्षा, वो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसान को उसकी लागत के ऊपर 50% फायदा देने की बात की। पर इससे पहले कि मेरे साथी मेज थपथपाने लगे कि कांग्रेस के साथी, सही बात को धन्यवाद भी दूंगा, आभार भी व्यक्त करूंगा, बधाई भी दूंगा, परंतु माननीय वित्त मंत्री साहब बैठे नहीं, उनके मुखारविंद से मैं सुनना चाहता हूं। सभी साथियों ने एक के बाद एक सबने बात की है, A2, A2+FL, C2, पूरी अल्फाबेट के बीच में, कहीं I2 किसान पूछ रहा है, मैं भी कहीं हूं क्या, I2 भी कहीं है क्या, MI somewhere in that picture। माननीय वित्त मंत्री साहब ये बिल्कुल क्लियर करें अपने जवाब के अंदर, व्हेन ही कंक्लूड्स दिस डिबेट, ये जो आप 50% दे रहे हो, क्या ये C2 के ऊपर है, कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट के ऊपर है, और अगर नहीं है तो आप साहब, हमें किसान अनपढ़ हो सकता है, किसान बोला बाला हो सकता है, परंतु किसान बेवकूफ नहीं है। मेरा एक निवेदन है वित्त मंत्री साहब से, हमें कलम से मत मारिए साहब, कलम से मत मारिए, शिवराज चौहान जी से सीखिए, गोली से मारिए, किसान को मारना है गोली से मारिए, किसान को
मंदसौर के अंदर गोलियों से भूना गया। कम से कम मैडम, आप मैं नाम विड्रॉ कर लेता हूँ, आप नाम विड्रॉ कर लीजिए, आप नाम विड्रॉ कर लीजिए। मंदसौर के अंदर किसान को गोलियों से मारा गया मैडम, किसान को गोलियों से मारा गया, तो हमें गोलियां मार दीजिए, कम से कम किसान के परिवार को कहीं ना कहीं कोई मुआवजा तो मिल जाएगा। कहीं इस कलम से मार दिया आपने, हमें यहाँ कह रहे हैं कि गिलास खाली और आप हमें कह रहे हो। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे यहाँ पंजाब के साथी नहीं बैठे। मैडम देखिए, मेड इन स्पीच है साहब, आप बोलो ना। मैडम मुझे इस बात का अफसोस है, हमारे अकाली साथी नहीं बैठे। बादल साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इस बात के लिए इज्जत करता हूँ, अध्यक्ष महोदय इस बात के लिए इज्जत करता हूँ कि एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने हाथ से खेती की है, अपने हाथ से खेती की है, और इसीलिए दर्द भी होता है जब यहाँ पे उनके साथी बैठे मुझे थपथपा रहे थे। अध्यक्ष गलत बात को सुनना और सुन के हम ही मर देना, फायदे तो बहुत हैं इसके, पर अच्छा नहीं लगता किस बात के लिए थपथपा रहे हैं। मैडम सबसे ज्यादा जो बात चुभती है, माननीय वित्त मंत्री साहब से पूछना चाहूंगा, इस सारे भाषण के अंदर किसान के कर्जे की बात कहीं नहीं की गई, किसान के कर्जे की बात नहीं की गई। किसान मर रहा है आज, आप बात कर रहे हैं 2022 की, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। 2022 तक किसान रहेगा तो उसका कर्जा माफ करेंगे, आमदनी दुगुनी करेंगे। आप इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से कॉस्ट, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कौन सी कॉस्ट मान रहे हैं। अध्यक्ष प्लीज देखिए, मेड इन स्पीच का आई एम सीकिंग योर प्रोटेक्शन मैम, आप मुझे 5-7 मिनट का समय। मेड इन स्पीच है, 2-3 अच्छे मुद्दे रखो, किसान के लिए। किसान में से भू आने लगी आपको, किसान में से भू नहीं आनी चाहिए, कोई भू नहीं आ रही। बस किसान की बात सुन लीजिए, मैं किसान की बात कर रहा हूँ मैडम। किसान जी आज प्लीज पंजाब के अंदर जो पराली को आग लगाई गई वहाँ पे क्रॉप रेजिड्यू आग लगाई गई, सारे धुआं आ गया, पंजाब को हरियाणा को सबको जीत भर के कोसा गया कि पंजाब और हरियाणा के किसान ने दिल्ली के लोगों का जीना दूभर कर दिया, क्योंकि वहां पे किसान के उस खेत के अंदर उसका जो रेजिड्यू था उस पराली को आग लगाई गई थी। सबको महसूस हुआ मैडम। मैडम जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसकी चिताओं का धुआं नहीं पहुंचता क्या यहाँ पे? 36,000 मौतें हुई हैं पिछले 3 साल के अंदर, 36,000 सुइसाइड हुई हैं। अगर औसत निकाल के देखें 45 मिनट के अंदर एक, जब तक माननीय प्रधानमंत्री का एक मन की बात का भाषण खत्म होता है एक किसान आत्महत्या करता है। उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसको कीमत नहीं मिल रही उसकी। अलामा इकबाल ने लिखा है, ये आज की व्याथा नहीं है। साथी कहेंगे आपके समय में भी हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, कांग्रेस के समय में भी हो रही थी, मैं मानता हूं, इसीलिए तो आपको मौका दिया, लोगों ने इसीलिए मौका दिया। किसान पिसता आ रहा है, किसान आज भी पिस रहा है। अलामा इकबाल ने लिखा है, जिस खेत से दहकां को मयसर नहीं रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। जिस दिन आग लग गई उस दिन यहाँ पे दिल्ली में नहीं हिंदुस्तान में धुआं नाकों में चढ़ जाएगा। किसान की सुध लीजिए, मैं इसलिए आज खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। माननीय वित्त मंत्री साहब ने कहा कि परचेजिंग एजेंसी स्टेट से बात करेंगी, एफसीआई स्टेट से बात करेंगी। मैं आखिरी कंक्लूड करूंगा मैडम, मैं समझता हूँ वित्त मंत्री साहब ने जवाब देना है। मैं वित्त मंत्री साहब आई सीक योर काइंड इंटेलिजेंस, बिकॉज आपके ऊपर पंजाब का हक है साहब। मैं अपना हक मान के चलता हूँ, आपके दिल में, आप बड़े दिल वाले हैं, फराख दिल वाले, आप इस बात को अनदेखा भी करेंगे, बड़ा जिगरा आपका कि आप वहां पे चुनाव के लिए आए, बट योर विनिंग और लूजिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन योर कॉम्पिटेंसी और लार्ज हार्टेडनेस। आपका कसूर इतना था, द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स,
जिन साथी इनको लेके गए थे उनके पाप की सजा मिली है, उनको चिट्टा बेचने वालों की वजह से भुगतना इनको पड़ा। पर इनके मैडम मैं कहना चाहता हूं 11 मार्च 2017 को हमारी विधानसभा का रिजल्ट आया। 11 मार्च को मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, बिकॉज आप भी इस पर ध्यान दीजिए देखभाल साहब, 11 मार्च को रिजल्ट आता है, 10 मार्च को द लेम डक गवर्नमेंट अकाली बीजेपी गवर्नमेंट 32,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर देती है। दे आर नो राइट। और वो पैसा किस बात का था? दिस वॉज ए डिस्प्यूट, एक झगड़ा था एफसीआई के बीच में और सरकार के बीच में। झगड़ा तो था 1/3 के लिए, दे वर सम क्लेम्स विच वर कंटेस्टेड बिटवीन द रेट्स दे वर गिविंग एंड द एक्चुअल कॉस्ट, बट 1/3 और मोर देन हाफ ऑफ इट वॉज बिकॉज जो घपला हुआ था। मैं माननीय वित्त मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि वो जो हमारा 32,000 करोड़ रुपया है वो कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने के लिए अकाली बीजेपी सरकार ने जो आपके खाते में ट्रांसफर किया वो पंजाब को दिया जाए। मैं साथ ही क्योंकि अमृतसर से इलेक्शन लड़ा है मैडम, देख बड़ा टाइम है, आप 8 बजे तक बिठाई रखिए, मैं सुन के जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, 8 बजे तक बैठूंगा मैं, जल्दी जल्दी। देखिए साहब हमारे यहाँ पे इनके साथ लगती कॉन्स्टिट्यूंसी बटाड़ा, वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री है, पहले वहाँ पे फ्रेट इक्वलाइजेशन सब्सिडी होती थी वो विड्रॉ कर ली गई। हम दूर दराज इलाके में बैठे, इंडस्ट्री मर रही है, जहां पे रोजगार लगाने की बात कर रहे हैं वहां पे रोजगार तभी लगेगा जब लगी इंडस्ट्री को बचाए, पहले जो लगी हुई उसको तो बचा ले, इसके लिए निवेदन करूंगा। और मैडम मैं जिस हलके से आता हूं, जिस गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी ने हमारा, चाहे पठानकोट जिला है, गुरदासपुर अमृतसर है, बॉर्डर बेल्ट में है, हमारे यहाँ पे 70,000 से ज्यादा एक्स सर्विस मैन है साहब, हर घर के अंदर एक फौजी है। मेरे एमपी बनने के बाद में मैं 4 परिवारों में जा चुका हूं मैडम, जिनके जवान बॉर्डर पे शहीद हुए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा वित्त मंत्री साहब का कि जो डिफेंस के लिए एलोकेशन की गई है, एलोकेशन आपने जो भी किया आपकी समर्थता थी, पर लोगों ने आपको विश्वास दिया था आपकी सरकार को। आपने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान को लव लेटर लिखते हैं इसलिए पाकिस्तान इंट्रूजन कर रहा है, रोज घुसपैठ करवाता है। मेरी एक ही बेनती है, इस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इंदिरा जी ने 2 फाड़ किए, वो बांग्लादेश सबूत है। आपने लव लेटर लिखो, चाहे उनको चौड़ा छाती दिखाओ, चाहे नोटबंदी करके घुसपैठ बंद की आपने, या हुई या नहीं हुई, उन घरों में मैं एक जाऊंगा कि उन घरों को एक क्लियर मैसेज जाए उन शहीदों के और जवानों के जो लड़ रहे हैं कि उनके हक इस सरकार के अंदर पूरी तरह सुरक्षित है। ठीक है ठीक है। और आखिरी हो गया, अब आखिरी नहीं, अब आखिरी हो गया, अब एक शेर सुनाओ के हो गया। जवान की आप ओआरओपी का तो क्रेडिट लेते हैं, पर जिनके घरों में जब शहीद आता है उनकी लाश आती है। एक सुझाव है मैडम, क्या एक सुझाव दुबे साहब, मुझे समय हो रहा है, मुझे क्या एक्सपंज करना पड़ेगा। उन्होंने जो कुछ बोली 352 नाम हो गया, नहीं उन्होंने जो है जो जुडिशियल पहलू खान की बात की, शंभू कुमार की, ये पूरा उसका स्टेटमेंट का पार्ट है, उसको एक्सपेंज करना पड़ेगा। दूसरा 353 में उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ने गोली चला दिया, आप ये दोनों बातें नहीं कर सकते, इसीलिए पहलू खान, शंभू कुमार और शिवराज सिंह चौहान के बारे में जो रेफरेंस है वो 352 और 353 में एक्सपेंज करना चाहिए। एक्सपेंज कर देंगे, इट्स ओके इट्स ओके। राधा मोहन जी अब क्या हो गया, मैडम मैं देख लूंगी, प्लीज प्लीज मैं देखूंगी ना क्या है। रविंद्र कुमार हो गया, रविंद्र कुमार जी।